जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौर कुमार मैथ्स पर। कल की क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने सीखा, और आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे, और अपना आज हम एक नया टाइप भी सीखेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को देखिए और इसको आप लोग सॉल्व करिए। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए, और जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा इन सबको आप नोट भी करिए और इसको आंसर भी करने का आप लोग प्रयास करिए। ठीक, और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को देखिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो दिया है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है तो n के इकाई के स्थान पर अंक होगा। देखो ध्यान से, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि तो n के इकाई स्थान पर क्या होगा। ठीक, कि n के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखो सबसे पहले क्या बोला कि एक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है, मान लो संख्या कौन है, n। ठीक, एक धनात्मक संख्या जो n है, जब हम n को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक, इस n को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो जो हमारा रिमाइंडर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो रिमाइंडर है वह क्या बचता है, 3। ठीक, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आपको मिलता है, 3। ध्यान से देखो, अगर आप किसी भी संख्या को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक, कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 5 से जब डिवाइड करेंगे, अगर वहाँ पर रिमाइंडर 3 बचेगा तो वहाँ पर आपकी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी कि वहाँ उसका इकाई अंक क्या होगा। देखो ध्यान से कि जब 3 जब रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब जो संख्या रहेगी, देखो ध्यान से, इसका मतलब जो संख्या रहेगी वहाँ पर देखो उसका इकाई अंक या तो 5 + 3 होगा, 5 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 8। कि जब हम 8 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो वहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, यही ना। देखो एक संख्या कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वहाँ पर उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन एक संख्या तो यहाँ पर हो जाएगी 8। ठीक, इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, एक तो हो जाएगी यहाँ पर 8, और देखो एक यहाँ पर क्या हो सकता है, जब देखो 5 से जब आप डिवाइड करोगे, अगर इकाई के स्थान पर अगर सीधे केवल 3 ही रहे, ठीक, देखो ध्यान से, अगर इकाई के स्थान पर 3 ही केवल रहे, अगर 3 को आप डिवाइड करना हो 5 से, ठीक, समझो ध्यान से, अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 5 से तो यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा केवल, क्योंकि जो 3 है वह 5 से छोटा है, तो 3 में 5 से आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो 0 बार भाग जाएगी, जब 0 बार भाग जाएगी यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3। ठीक, यही ना है। देखो रिमाइंडर क्या होता है, जो उसके डिवीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए रिमाइंडर हमेशा, कि उसका जो शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या बन गई, 8, और एक यहाँ पर क्या बन गया, इसका रिमाइंडर जो है, देखो ध्यान से, इसका एक और रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 8। ठीक, इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पर क्या क्या हो सकता है कि इसका जो रिमाइंडर है वह 3 आए, एक हो सकता है 8 और एक क्या हो सकता है, 3। ठीक, यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो यह क्वेश्चन जो दिया है कि यदि किसी धन पूर्णांक n को, देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन क्या कह दिया, सबसे पहले इसको नोट, देखो एक दिया यहाँ पर क्या कि n प्लस 2, दूसरा ऑप्शन दिया कितना, n प्लस 4, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया n प्लस 3, और चौथा ऑप्शन दिया है देखो n प्लस 5। ठीक, चलो देखो ध्यान से, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी धन पूर्णांक n को 7 से डिवाइड करने पर, देखो कोई संख्या दिया है, जो संख्या कितनी है, n है, ये कोई धन पूर्णांक संख्या, जब इसको हम 7 से जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक, जब इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है, हमेशा 3 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जब देखो इस संख्या को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक, देखो ध्यान से, रुक जाओ, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या इसका आया, 3। ठीक, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार फिर से पढ़िए, देखिए कि यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल देखो 3 प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर जब शेषफल 3 प्राप्त होता है तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7, देखो किस संख्या से 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक, अब देखो अगर यहाँ पर देखो ऑप्शन जो ए दिया है, इसमें क्या है, n में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा। अगर देखो हम इसके रिमाइंडर में, यहाँ पर देखो इसके रिमाइंडर में अगर हम 2 को ऐड कर दें,
ध्यान से देखो रिमाइंडर कितना था, 3। अगर इसमें हमने 2 को ऐड किया ठीक, तो ये कितना हो गया बराबर 5। अब देखो 5 को या 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +5 हो जाएगा या फिर यहाँ पर -2 हो जाएगा, यही ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। ठीक, चलो दूसरा देखो कि यहाँ पर देखो अगर इसके रिमाइंडर में अगर हम 4 को पहले ऐड करें, देखो 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाए 4, तो यहाँ पर देखो जब इसको हम ऐड करें कितना आ जाएगा 7। अब 7 को हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक, यहाँ पर इसका मतलब कि यन में हम क्या जोड़ें कि यह जो संख्या है पूरा पूरा कट जाए, कि इसका मतलब कि यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर है 0 हो जाए। तो यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, और अगर आपको इन दोनों को भी चेक करना, तो आप चेक करके यहाँ पर देख लो इसका रिमाइंडर कितना दिया है, 3। अगर रिमाइंडर में आप यहाँ पर 3 ऐड करो तो 3 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। 6 जो 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर आएगा। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, यह भी गलत हो गया। यहाँ पर कितना जोड़ा है 5। अगर देखो यहाँ पर रिमाइंडर कितना था, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 5 3 कितना हो गया, 8। 8 को आप 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। ठीक, इसका मतलब यह भी गलत है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जो संख्या है, जो संख्या अगर उसमें हम जब 4 को ऐड कर देंगे तो उसका जो रिमाइंडर है हमेशा क्या आने लगेगा, 0। ठीक, तो इसका हो जाएगा आंसर। चलो अब देखो यहाँ से आपका एक नेक्स्ट टाइप आपका यहाँ पे से स्टार्ट होगा। ठीक, तो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए और यहाँ से आप लोग इसके कंसेप्ट को और इसके क्वेश्चन को भी आप नोट करते रहिएगा। ठीक, देखिए जितना भी क्वेश्चन अब यहाँ पर आपको करवाया जाएगा यह सब आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, तो हम एक ही टाइप से 3 4 क्वेश्चनों को हम लेके करेंगे, जिससे आपका जो टाइप जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन जो दिया है कि किसी संख्या में अगर 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखो यह जो क्वेश्चन है ना, बहुत देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस प्रकार से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, क्वेश्चन जो दिया है कि यदि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर, देखो अगर यहाँ पर देखो संख्या को आप मान लो एन, ठीक, और यहाँ पर देखो रिमाइंडर मान लो आप आर। ठीक, अगर आप इस संख्या को देखो ध्यान से, कि अगर आप इस संख्या को, जो संख्या जो है इसको अगर आप 7 से डिवाइड, कितना दिया यहाँ पर 56, देखो अगर इस संख्या को आप 56 से डिवाइड कर, देखो 56 से भाग देने पर जो इसका शेष है वह कितना आता है, 29। ठीक, इसका शेष कितना आया, 29। कि इस संख्या को जब हम 56 से डिवाइड करते हैं तो जो इसका शेष आएगा वह कितना है, 29 आता है। ठीक, अब देखो आगे क्या बोला है कि यदि, देखो आगे क्या बोला है कि यदि उसी संख्या को, देखो जो यहाँ पर संख्या है उसी को अगर हम 8 से डिवाइड करें, ठीक, देखो ध्यान से, जो यहाँ पर संख्या है उसी संख्या को अगर हम 8 से डिवाइड करें, देखो उसी संख्या को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। जब हम देखो यहाँ पर बोला कि इससे 8 से डिवाइड करने के लिए, पहले जब डिवाइड करें तो कितना यहाँ पर आ रहा था रिमाइंडर, 29। तो देखो इसी 29 से हम 8 से हम इस 29 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक, देखो ध्यान से, इस तीर को आप ध्यान से देखिए, उसी संख्या को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो आएगा कितना आएगा, देखो कि हम 8 से ही 29 को फिर डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर था इसका उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 29 बटे में आप कितना कर दोगे, 8। ठीक, देखो कितनी बार जाएगा, 8 3 24 24, और यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर देखो आर बराबर कितना आ गया, 5। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ से 29 जो है इसको आपने डिवाइड किया किससे, 8 से, देखो 8 देखो 8 3 24, 3 बार गया, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 5। ठीक, यह क्या होता है आपका रिमाइंडर। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर। देखो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, अगर कोई संख्या है अगर उसका कोई रिमाइंडर है, ठीक, फिर अगर उसी संख्या को अगर किसी नंबर से अगर डिवाइड किया जाएगा तो जो उसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर को डायरेक्ट केवल आप डिवाइड करोगे। ठीक, यहाँ पर आपको इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देखो सेम उसी संख्या को अगर किसी दूसरी संख्या से अगर डिवाइड करना हो तो सीधे सीधे आप उसका जो रिमाइंडर आया उसको आप डिवाइड करेंगे, जितना उसका रिमाइंडर आ जाएगा वह इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया अगला, कि किसी संख्या को जब, देखो किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है, देखो ध्यान से, कोई संख्या है, यह संख्या यहाँ पर क्या है, यन, यहाँ पर आप लिख लो इसका रिमाइंडर। देखो अगर एक संख्या है जिसको आप सबसे पहले 119 से जब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 19। ठीक, उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 19। ठीक, और आगे देखो क्या बोला है, तो उसी, देखो उसी संख्या को अगर आप 17 से विभाजित करते हैं, जो संख्या जो दिया, अगर इसी को आप, देखो इसी को अगर आप
17 से अगर आप डिवाइड करेंगे, जो संख्या दिया है इसको अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त, देखो प्राप्त करने वाला शेषफल कितना होगा, तो उसके बाद जो शेषफल वह कितना होगा, देखो सेम आप क्या करोगे, इसी 17 से आप 19 को आप यहाँ पर डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 19 बटे में आप कर दो 17, 17 के नाम 17 बचेगा कितना, 2, यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, इस प्रकार से भी आप देख लो, 19 को आप भाग दिए कितने, 17, 17 का नाम 17, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो बहुत आसान है अभी क्वेश्चन है। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया है कि यदि, देखो क्या दिया है कि यदि पूर्णांक n को, देखो यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए, यहाँ पर देखो आप टाइप यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक, ये नेक्स्ट टाइप, इसी का एक लेवल थोड़ा सा आगे है। ठीक, देखो बोला क्या यहाँ पर कि यदि पूर्णांक n को, देखो यदि एक पूर्णांक है जो n है, ठीक, n को 5 से विभाजित किया जाता है, देखो ये देखो n है जिसको आपने किससे 5 से आप इसको डिवाइड करें किए। ठीक, 5 से आप अगर इसको जब विभाजित करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है, देखो यहाँ से इसका रिमाइंडर r जो है वह कितना आ रहा है, 2। ठीक, इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ, 2। ठीक, अब देखो आगे क्या बोला है कि यदि 7n को, देखो क्या बोला, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए, ध्यान समझो यहाँ पर देखो केवल n था, n को हमने डिवाइड किससे किया, 5 से, तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे कि 7n, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, 7 का, कि यहाँ पर 7 का आपने इंटू किया, जब आप यहाँ पर 7 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर में इसमें 7 का इंटू होगा, जो यहाँ पर जिससे आप इसको डिवाइड किए इसमें भी 7 का इंटू होगा, जो यहाँ पर है इसमें भी 7 का इंटू होगा। ठीक, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका रिमाइंडर देखो कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। ठीक, इसका रिमाइंडर आ गया 14। अब देखो आगे क्या बोला है कि अगर 7n को, ये तो हो गया ना 7n, यहाँ पर जब 7 गुणे में n हुआ तो यहाँ पर यह हो जाएगा कितना, टोटल 7n। ठीक, जब 7n को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, यही ने बोला है किससे, जब डिवाइड करेंगे इसी को हम 5 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, देखो ध्यान से, 5 से आप इसको डिवाइड करो, देखो 14 में भाग दो आप किसका, 5 का, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10। ठीक, रिमाइंडर इसका कितना आ गया, 4, यही इसका हो जाएगा क्या आंसर, रिमाइंडर। ठीक, देखो अगर यहाँ पर देखो जैसे बोल दे कि उस संख्या में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना यहाँ पर इसका रिमाइंडर होगा उसमें भी 7 का मल्टीप्लाई होगा, जिससे हम यहाँ पर भाग देंगे उसमें भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यही समझो आप। देखो अगला जो क्वेश्चन रहेगा सेम इसी पर बेस्ड रहेगा, उसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताना। ठीक, नोट करो आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका। देखो ये क्वेश्चन दिया है कि जब किसी संख्या में, देखो जब किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है और यहाँ पर हो जाए देखो रिमाइंडर। ठीक, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया था कि जब किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है, 3। ठीक, देखो इस संख्या में जब हम 6 से जब हम यहाँ पर भाग देंगे, देखो ध्यान से, जब इसमें 6 से हम भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, 3। ठीक, और देखो आगे इसके बाद क्या बोला कि यदि उस संख्या के वर्ग को, देखो यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए, ध्यान से देखो यहाँ पर दिया क्या, जो संख्या जो दिया है इसका वर्ग, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो इसका रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा, जब रिमाइंडर का वर्ग होगा, देखो यह भी वर्ग हुआ और यहाँ पर रिमाइंडर इसका वर्ग हुआ। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका जब रिमाइंडर का जब वर्ग होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 9। ठीक, और देखो आगे क्या बोला है कि यदि उस संख्या के वर्ग को, देखो इस संख्या का वर्ग तो हो गया और इसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से विभाजित किया जाए, देखो ध्यान से, इसी को अगर 6 से विभाजित किया जाए तो इसका जो रिमाइंडर था यह 9, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना और हो जाएगा, देखो इसमें क्या करेंगे, 9 को हम डिवाइड करेंगे इससे 6 से, यहाँ पर यह हो जाएगा कितना, 9/6, कि जो रिमाइंडर था रिमाइंडर को भी हम दोगुना करेंगे, इसके बाद हम जिसे डिवाइड करना उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखो जब 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 × 9 = 6, बराबर यहाँ पर कितना इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 3।
ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए, सेम इसी पर बेस्ड है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, पढ़ो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है कि जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाए, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला कि एक संख्या है जो कि n है और इसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, कि जब इसको 5 से विभाजित करते हैं तो जो इसका शेष आता है वह 2 प्राप्त होता है। ठीक, देखो रिमाइंडर क्या हुआ, क्या है 2। और देखो आगे क्या बोला है कि जब n स्क्वायर को, क्या बोला यहाँ पर, n स्क्वायर की जो संख्या है वह n, इसका स्क्वायर जो करना, देखो n स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, जब इस संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पर रिमाइंडर का स्क्वायर हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक, रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पर, 4। बोला कि जब n स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखो जब हम n स्क्वायर को, ये देखो n स्क्वायर हो गया, जब इसको हम यहाँ पर 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो इसको देखो, इसको अब डिवाइड करो 4 को, 4 बटे में क्या हो जाएगा, 5 बराबर, देखो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 4। क्योंकि देखो जो यहाँ पर जिसमें हम भाग दे रहे हैं वह डिविजर से छोटा है, कि भाजक से है छोटा है। ठीक, भाज जो है भाजक से छोटा है, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यह सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। ठीक, नोट करिए आप लोग इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है आज का। देखो क्वेश्चन दिया है कि जब दो संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाए, यहाँ पर देखो इसके पहले देखो जितना भी क्वेश्चन था उसमें क्या था कि केवल एक ही संख्या था, लेकिन यहाँ पर देखो दो संख्या है। ठीक, कि देखो जब दो संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाता है, देखो अगर मान लो पहली संख्या है n1 और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर n2। ठीक, जब इन्हीं दोनों संख्याओं को, देखो जब दो संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 13 तथा, देखो 13 तथा 11 शेष प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा R1, दूसरा हो जाएगा क्या R2। जब इस संख्या को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 17 से। ठीक, जब इन संख्याओं को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 17 से, दोनों संख्याओं को जब हम डिवाइड करें किससे, 17 से, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, दो रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है, कितना, एक आ रहा है कितना, 13, और दूसरा कितना आ रहा है, 11। ठीक, और देखो आगे क्या बोला कि इन, देखो यदि इन दोनों संख्याओं के योग को, देखो जब इन दोनों संख्याओं का योग, कहने का मतलब कि इन दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक, जब इन दोनों संख्याओं के योग को n1 + n2, तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर है यह भी ऐड हो जाएगा, कि r1 + r2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 13 और 11 को जब आप ऐड करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद देखो 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, कितना आ गया, 24। ठीक, जब दोनों रिमाइंडर जो दिया है यहाँ पर, इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 24। और बोला क्या कि जब दोनों संख्याओं के योग को 17 से डिवाइड किया जाए, देखो जब इनको किससे डिवाइड किया जाए, 17 से डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पर बताना क्या, तो शेषफल क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखो ध्यान से, 17 से हम डिवाइड करेंगे, अब इसके रिमाइंडर को कितना दिया यहाँ पर, 24। 24 को भाग देंगे जब हम 17 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 करना, 17 17 इसमें से माइनस करो आप, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा देखो 7। ठीक, और यहाँ पर बचेगा कितना, 0। यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 7। तो यहाँ पर देखो आर बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 7, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, देखो 7 यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलिए आज की क्लास को बस हमें ध्यान रखते हैं, और आज की क्लास में हमने दो कंसेप्ट को हमने सीखा। ठीक, अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।